हेलो गाइस, दिस इज़ रमज़ान एंड यू वाचिंग आर आर टच। तो दोस्तों, आज मैं एक EMI पे प्रोडक्ट आपको ख़रीद के बताऊंगा कि आपको कैसे EMI पे परचेज़ करना है। तो दोस्तों, मैं सिंपली एक प्रोडक्ट को क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने DSLR क्लिक करा, 31,499 का है। तो इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है EMI, यानी जिस पे EMI पे अवेलेबल होगा उस पे EMI लिखा होगा। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, इसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिंपली स्टेप बाई स्टेप, देखिए मैं जैसे क्लिक करूँ, ये स्पेसिफिकेशंस है। तो हम ये सब छोड़ के अभी हम अपने प्रोडक्ट की ओर चलेंगे। बाय नाउ पे मैंने क्लिक करा और ये आ गया प्रोडक्ट। तो ये दोस्तों, इसके कुछ वो है हमारा, ये GST है। GST के बाद ये मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा और बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा, ये हमारा पेमेंट मेथड आ गया। आने के बाद हमें थोड़ा स्क्रॉल करना है, ये लिखा हुआ है EZEMI, ये इंस्टॉलमेंट है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा और मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये हमारी ये कुछ बैंक्स है जो अवेलेबल है। आपके भी इस बैंक में से कोई भी अगर बैंक है तो आप यहाँ से EMI पे ईजी ख़रीद पाएंगे। तो मैंने एक्सिस बैंक का क्लिक करा और ये यहाँ दिखा रहा है कि आप 3 मंथ का लगे लेंगे तो 13% लगेगा इंटरेस्ट, 6 मंथ का आपका भी 13 ही लगेगा, अगर आप 9 मंथ पे जाएंगे तो 14% लगेगा, यानी 100 पे आपको ये 14 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर मंथ ये। और ये 24 महीने पे लेंगे तो 5,156 रुपये दिखा रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना महंगा प्रोडक्ट है। तो गाइज, मैं 24 महीने का करूँगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना पैसा लग रहा है। ये जैसे 9 मंथ का हमें 1,000 कुछ लग रहा है। तो आप भी ऐसे चेक करने के बाद डायरेक्ट हम बाय नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको ये सिंपल आपके जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, ईयर मंथ और CVV सब कुछ आपको इंटर करना होता है। तो मैं सिंपली इंटर कर लेता हूँ, आप भी इंटर करना जैसे मैं इंटर करता हूँ, जो आपके कार्ड के ऊपर नंबर है, नंबर आपको इंटर कर लेना है। मैं आप थोड़ा रुक जाए, मैं वो कर लेता हूँ इंटर। नंबर इंटर करने के बाद हम मंथ कर लेंगे, 5 मंथ, ईयर 2024, और CVV हम डाल देंगे और सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस, हमें ये लेना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे परचेज़ नहीं करना है। अगर आपको परचेज़ करना है तो यही स्टेप्स है और कुछ ही बैंक्स जो अवेलेबल है जो हमारे इस तरीके से हमें EMI अवेलेबल करता है। तो अभी मैं आपको बैंक्स दिखा देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल है यहाँ और EMI पे। तो मैं सिंपली बैक करूँगा, बैक करने के बाद मुझे जो बैंक से, ये देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस है और एक्सेस है और ये बैंक्स हैं, आप देख लीजिए। अगर आप में से ये कोई भी बैंक है आपके पास क्रेडिट कार्ड, तो आप इजी EMI पे ले पाएंगे बिना कोई दिक्कत के। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड बैंक ने दे दिया है। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़